2015 से दुनिया भर की अदालतों में एक अभूतपूर्व आंदोलन चल रहा है। युवावादियों के समूह, जिनमें कुछ 7 वर्ष के हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने में निष्क्रियता के लिए अपनी सरकारों पर मुकदमा कर रही है। उदाहरण के लिए 2018 की सर्दियों में स्वदेशी युवाओं सहित 25 युवा कोलंबियाई लोगों ने अमेज़न में वनों की कटाई को कम करने में विफल रहने और जलवायु वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए अपनी सरकार पर मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के साथ साथ अन्य लोगों ने तर्क दिया कि विनाशकारी पर्यावरण नीतियां वादी के वर्तमान और भविष्य के जीवन को खतरे में डाल रही हैं। जलवायु निष्क्रियता उनके बुनियादी मानवाधिकारों, विशेष रूप से स्वस्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य, भोजन और पानी के अधिकार का उल्लंघन करती है। लेकिन मानवाधिकारों का पर्यावरण से क्या लेना देना है? क्या आपको साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है? सफेद गैंडों, ध्रुवीय भालू और लीमर लीफ मेंढकों वाली दुनिया में रहना? मैंग्रोव व कोरल रीफ के अधिकार के बारे में क्या? मानव अधिकारों को रेखांकित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज 1948 में नवगठित संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनगिनत अत्याचारों और बर्बर कृत्यों से सने 2 विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि में अपनाया गया था। ये दस्तावेज, जिसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा या UDHR के रूप में जाना जाता है, उन अंतर्निहित स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है जो सभी लोगों से संबंधित है, चाहे वे कोई भी हो या जहां भी रहते हो, और जिन्हें ना तो प्रदान किया जा सकता है और न ही रद्द किया जा सकता है। ये विचार की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जैसी राजनीतिक स्वतंत्रता और पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करता है, जबकि UDHR खुद गैर बाध्यकारी है। इसके गठन ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नैतिकता और मानकों का सेट दिया है और मानवाधिकार कानून की नींव रखी, और 1948 से इन स्वतंत्रताओं को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संविधानों और कानूनों में डाला गया है, जिसका अर्थ है कि देशों ने उन्हें बनाए रखने और रक्षा करने का विकल्प चुना है। इसकी वजह से अनगिनत व्यक्तिगत मानवाधिकार संघर्षों और आंदोलनों को वैधता प्रदान की गई है और न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी आधार दिया गया है। UDHR में प्रकृति, जैव विविधता या जलवायु का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बजाय इन अधिकारों ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ा। ग्लोबल साउथ के कई देशों ने, जो अक्सर स्वदेशी कानूनों और विश्व दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अपने संविधान और क्षेत्रीय संधियों में शामिल किया है। जल्द ही मानवाधिकार समर्थक शेष विश्व और संयुक्त राष्ट्र से भी इस अधिकार को मान्यता देने का आह्वान करने लगे। कई लोगों ने तर्क दिया कि UDHR के सिद्धांत स्वस्थ इकोसिस्टम तक पहुंच पर निर्भर करते हैं। हर साल वायु और जल प्रदूषण के कारण लाखों लोग मरते हैं। परागणों की घटती आबादी बुनियादी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है, और तटीय आवासों के नष्ट होने से लाखों लोग विनाशकारी बाढ़ और तूफान के कारण अधिक जोखिम में है। इस अधिकार की रक्षा करना अब पहले से कहीं अधिक जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक बार गर्मी की लहरें, लंबे समय तक अकाल और अधिक विनाशकारी जंगल की आग लग रही है। तेज और व्यापक बदलाव के बिना ग्रह पर बड़े पैमाने पर विलुप्ति का खतरा है, जो 2100 तक दुनिया की 1/4 जैव विविधता को नष्ट कर सकता है। प्राकृतिक इकोसिस्टम को होने वाले इस तरह के नुकसान से संभवतः विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे खाद्य आपूर्ति को और अधिक खतरा होगा, आजीविका नष्ट हो जाएगी और मानवता बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगी। शुक्र है गति बढ़ रही है। आज 150 से अधिक देशों और न्याय क्षेत्रों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को राष्ट्रीय कानून में शामिल किया है। 5 अप्रैल 2018 को कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट ने युवावादी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें पाया गया कि सरकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी। इस मामले और नेदरलैंड्स, जर्मनी और अमेरिका की अदालतों में युवाओं द्वारा इसी तरह की ऐतिहासिक जीत ने दूसरों को इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रेरित किया है। 2023 की गर्मियों तक दुनिया भर में 2000 से अधिक मानवाधिकार आधारित पर्यावरणीय मामले दायर किए गए हैं, और इनकी गिनती बढ़ने की संभावना है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश सदस्य स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देकर बदलती दुनिया के साथ मानवाधिकारों को जोड़े रखने के लिए एक साथ आए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, वनों की कटाई को रोकने और हमारे जलमार्गों को साफ रखने के लिए अभूतपूर्व वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। ये अदालती मामले सरकारों को जवाबदेह बनाने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने
और ऐसी दुनिया में रहने का मौका जहां सफेद गैंडों, ध्रुवीय भालू और कोरल रीफ हैं। ये इसके लिए एक शक्तिशाली पहले कदम है। तो सिर्फ जिंदा रहकर आप और किस चीज के हकदार हैं? हम सभी के मानवाधिकारों और कैसे उनकी सार्वभौमिक सुरक्षा दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति सुनिश्चित करने में मदद करती है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए ed.ted.com/knowyourrights पर जाएं।